हेलो गाइस, मेरा नाम है साजन मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। आस्था जी, क्या बात करने वाले आज के टॉपिक में? कैमरा। कौन सा कैमरा? निकॉन का कैमरा। निकॉन का कौन सा कैमरा है? तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं निकॉन के Z9 के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही अब कंपनी ने सॉलिड कैमरा डिज़ाइन किया है। इसकी खासियत बताते हैं। आस्था जी बोर तो नहीं होंगे, मैं थोड़ी सी खासियत बता दूँ इसकी? बता दो। तो दोस्तों, साथ साथ में सोनी के साथ भी हम कंपेयर करेंगे। जो दोस्तों ये कैमरा है 8K 30fps पे इंटरनल रिकॉर्डिंग करता है, 4K 120fps के ऊपर रो रिकॉर्डिंग इंटरनल करता है, 12 बिट के ऊपर दोस्तों ये कैमरा रिकॉर्डिंग करता है इंटरनल। ऐसा सोनी कुछ भी इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं करता, उसके साथ एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर जो कार्ड के ऑप्शन है CF Express Type B एंड XQD कार्ड है। दो कार्ड के ऑप्शन दिए गए हैं, आप दोनों इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों और डेवलपमेंट की गई है Z सीरीज़ के अंदर, मतलब एनालॉग का ऑप्शन दे दिया गया, जैसे सोनी के अंदर एनालॉग है। अब सोनी के मुकाबले ये बहुत मतलब अल्टीमेट कैमरा है, मतलब अपर 45.7 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। हालांकि सोनी में सिर्फ स्टिल के लिए ऐसे कैमरे बनाए जाते हैं, लेकिन ये वीडियो एंड स्टिल के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा डिज़ाइन किया गया है। अगर हम और खासियत की बात करें, बैटरी बैकअप इसका बहुत सॉलिड है। इसके अंदर ENEL 18D बैटरी है, उसका बैटरी बैकअप मतलब 1000 प्लस ही क्लिक कर देता है स्टिल के अंदर। और खासियत की बात करें, 30fps मतलब JPG कंटिन्यू शूटिंग करता है। रो अगर आप फोटोज लेंगे तो 20fps के ऊपर शूट करता है। 11 मेगापिक्सल के ऊपर दोस्तों 120fps कंटिन्यू शूटिंग करता है दोस्तों फोटोज। और दोस्तों, जो इसकी कमी है, तो सबसे पहले ये गिम्बल के ऊपर बड़ी मुश्किल से फिट आता है, मतलब ओखा सोखा लगा तो दिया है लेकिन फिर भी लग जाता है। और इसके अंदर सेकंड कमी है, इसके अंदर दोस्तों मैकेनिकल शटर बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक शटर है, शटर टूटने का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसकी कमी ये है, अगर ग्लोबल शटर होता तो उसमें क्या होता है कि फ्लिकरिंग हट जाती बिल्कुल। तो अभी टेस्ट करेंगे, वैसा ऐसा कोई इशू आया नहीं। रिलीज़ होने को बहुत टाइम हो गया है इस मतलब कैमरा बॉडी को, तो हम फिर भी हम चाहते हैं कि ग्लोबल शटर पे होना चाहिए था, जो शटर फ्लिकरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक, फुली इलेक्ट्रॉनिक शटर है इसका, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है। हालांकि किसी और कैमरे में ये चीज़ नहीं आई है। अगर और खासियत की बात करें दोस्तों, जो स्क्रीन है 4x टिल्ट हो जाती है। देखिए, अगर आप अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, देखिए मतलब 4x टिल्ट कर सकते हैं किसी भी तरफ। लेकिन आप 360 मतलब 360 नहीं कह सकते, जैसे फ्लिप होती है सोनी की, वैसे आप नहीं कर सकते। और दोस्तों, वीडियो एंड फोटो के लिए ये 8K डिज़ाइन किया गया कैमरा है। जो इसका प्रोसेसर है XPEED 7, इसके अंदर प्रोसेसर हाई क्वालिटी का बहुत ही सॉलिड प्रोसेसर दे दिया गया। हीट अप होने के चांस ही नहीं, मतलब रो इंटरनल कर रहा है तो यार बिल्कुल भी चांस नहीं है इसके, जो प्रोसेसर बहुत सॉलिड है। और लेंसेज हैं दोस्तों 50mm यूज़ कर रहे हैं 1.8, जो कि निकॉन का मतलब खुद का Z माउंट लेंस है। मतलब पहले तो बहुत कम वेरिएशन थे, अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आ चुके हैं। अब इसके अंदर एनालॉग का भी ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। एनालॉग जैसे सोनी के अंदर एनालॉग है, इसके अंदर एनालॉग आ गया। उस पर हम आज शूट करेंगे, आस्था जी हमारे साथ हैं, तो हम बिल्कुल टेस्ट करेंगे फुटेज इसकी कैसी है। तो और अगर कुछ फीचर्स रह गए हो ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आस्था जी बोर हो रहे हैं साथ में बैठे हुए मेरे। क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन तो दोस्तों यही है कि सोनी ऐसी चीज़ नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि 8K 30fps रिकॉर्ड कर रहा है और 4K 120fps और 12 बिट पे रिकॉर्ड कर रहा है सोनी, हालांकि 10 बिट पे है अभी। तो लॉग फुटेज अभी ये भी दे रहा है, एक्सटर्नल रिकॉर्डर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारी बॉडी का जो वेट है 1340, मतलब 1 किलो 340 ग्राम इसका जो वेट है, काफ़ी वेट है। वैसे सोनी का जो 1000 मतलब ग्राम के अंदर, मतलब 1 kg के अंदर अंदर होता है वेट, तो इसका 1 kg से बाहर हो चुका है। तो और फुल HDMI ऑप्शंस दे दिए गए हैं इसके अंदर, बटन्स काफ़ी अच्छे हैं, कार्ड के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, बॉडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कमियां जो बताई हैं वो बताई हैं। अच्छा, फ़ोटो खींचते वक्त जो व्यू फाइंडर है ब्लैक नहीं होता, जैसे सोनी के अंदर क्या होता है, फ़ोटो खींचते हैं व्यू फाइंडर ब्लैक हो जाता है, तो इसके अंदर व्यू फाइंडर ब्लैक नहीं होता। जैसे ही फ़ोटो क्लिक करेंगे तो तुरंत ही सेकेंड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए फ़ोटो मतलब जो वीडियो टेस्टिंग करते हैं। रेडी हैं आस्था जी? कितने परसेंट बोर हुए? बिल्कुल। कैमरे के बारे में जो मैंने बोला पता है आपको? नहीं।
सब भूल गए ना, ये वीडियो रिपीट करके देख ले जिनको नहीं समझ लगी ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सेटिंग है हमारी दोस्तों 1.8 पे शूट करेंगे, 4K 120 FPS पे शूट करेंगे, फुल 4K है जो, 12 बिट पे शूट करेंगे दोस्तों, वो भी एनालॉग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए दोस्तों। तो दोस्तों जो पहले Z सीरीज के कैमरे हैं जैसे Z6 वगैरह हो गया, इनके ऊपर जो आई ट्रैकिंग फोकस था वो सिर्फ नाम का ही था। Z9 के अंदर दोस्तों रियल ट्रैकिंग आई फोकस है, बहुत ही सॉलिड। तो चलिए अब हम आई ट्रैकिंग के ऊपर ही शूट करेंगे, आइए। तो जो ये फुटेज आपने देखी है अभी वो Z9 से शूट की हुई फुटेज है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। 12 बिट पे हमने शूट किया है एनालॉग के ऊपर, 120 FPS के ऊपर, 1.8 जो हमारा लेंस है, 50mm, तो Z माउंट के ये सारे लेंस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। गिम्बल के ऊपर भी ये कैमरा बिल्कुल स्टेबल है, ये हैवी होने की वजह से पूरा स्थिर रहता है कैमरा, कि आपको बहुत अगर हल्का भी कैमरा होता है तो कभी उसकी स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, लेकिन ये हैवी होने के कारण बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी बनती है। तो ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आस्था जी बोल दीजिए, ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए।